हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु पे। आज अगली वीडियो के लिए मैं हाजिर हो गया हूँ। आज जो टॉपिक हम रिकॉर्ड करने वाले हैं वो रिकॉर्ड करने वाले हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, यानी वर्ग और वर्गमूल। एक छोटा सा टॉपिक है तो मज़ेदार टॉपिक है और कई बार इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं आपको। तो आज थोड़ा सा हम पढ़ते हैं वर्ग और वर्गमूल यानी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। मैं कोशिश करूँगा कि इसको एक ही वीडियो में पूरा हो जाए, ठीक। इफ नॉट देन सेकेंड पार्ट विल कम। तो ओके, स्टार्ट करते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। हिंदी में जिसे हम कहते हैं वर्ग और वर्गमूल। तो थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले क्विकली देख लेते हैं कि क्या है इसमें। देखो जी, स्क्वायर की क्या बात होती है। स्क्वायर करने का मतलब समझ रहे हो कि बेसिकली किसी नंबर की कुछ पावर है पी। जब आप उसका स्क्वायर करते हो तो मीनिंग होता है कि आपने उसकी पावर को डबल किया है, दैट्स इट। और कोई मतलब स्क्वायर का नहीं है। और स्क्वायर रूट जब आप करते हो स्क्वायर रूट, तो उसका मतलब ये होता है कि उसकी पावर को आपने दो से डिवाइड किया है, दो से डिवाइड किया है। तो समवट मैं कह सकता हूँ कि अगर मुझे कभी कहा जाए 585 की पावर 20 है, आपने इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालना है। तो अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो स्क्वायर का मीनिंग भाई होगा कि आप इसकी पावर को टू टाइम्स कर रहे हैं। इट मींस 585 की पावर 20 इंटू टू 40 हो जाएगा। बट अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालना चाहते हो तो उसका मीनिंग होगा कि आप इसकी पावर को हाफ कर रहे हैं, जिसका रिजल्ट आ जाएगा 585 की पावर 10। तो इन दिस वे मैं कह सकता हूं कि स्क्वायर का मीनिंग होता है, स्क्वायर रूट का मीनिंग क्या होता है, स्क्वायर इज समथिंग दैट इज मल्टीप्लाई बाय टू एंड स्क्वायर रूट इज समथिंग दैट इज डिवाइडेड बाय टू। अब इसी प्रॉपर्टी पे, इसी बेस पे एक क्वेश्चन आपका बनता है, वो आइए हम समझते हैं। बेसिकली एग्जाम में कहा क्या होता है कि जहां आप सोचते हो कि यहाँ कहानी खत्म हो गई है वहीं से कहानी शुरू होती है। अब आपने ये सिर्फ इतना पढ़ के छोड़ दिया कि स्क्वायर रूट का मतलब है कि पावर को टू से डिवाइड करना है। इट मीन्स जब जब पावर टू से डिवाइड होगी, पूरा पूरा कंप्लीटली डिवाइड होगी, तो इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर भी बनता होगा, स्क्वायर रूट भी बनता होगा। मीनिंग अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि कुछ भी नंबर ले लेते हैं, 2 की पावर 50, इसका स्क्वायर रूट निकालो, तो हमें पता है कि ये पावर पूरी पूरी डिवाइड होती है। इट मीन्स इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा। तो जो भी 2 की पावर या किसी भी नंबर की पावर 2 पर डिवाइड होती होगी तो हम कहेंगे उसका स्क्वायर रूट कंप्लीटली निकलेगा। आइए थोड़ा से क्वेश्चन से समझते हैं और कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन किस तरह का बनता है, समझते हैं। पहला बेसिक क्वेश्चन हम समझते हैं। अब मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है, ये नंबर है 2 की पावर 3, 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 4। ये कोई नंबर है, ठीक है जी। इसमें कहा गया है इस संख्या को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एक नंबर आपको गिवन है, इस नंबर को कहा यह गया है कि किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। अब मैंने अभी आपको एक बात समझाई थी कि जब तक पावर ऐसी हैं, 4 पे कटती हैं, तो उसका पूर्ण वर्ग भी बनेगा और वर्गमूल भी निकलता होगा। तो मुझे क्या करना है बेसिकली कि जहां भी पावर 2 से डिवाइड नहीं होती है उसे ऐसा बढ़ाना है कि वो 2 से डिवाइड हो जाए। अब ये देखिए पावर 4 है तो ये तो 2 से डिवाइड होगी, इट मीन्स इसका तो निकल जाएगा। सिर्फ आपके पास ये 2 नंबर ऐसे हैं जिनकी पावर ऐसी है जो 2 पे डिवाइड नहीं होती है। तो अगर मुझे इस नंबर का पूरे का परफेक्ट स्क्वायर बनाना है या स्क्वायर रूट निकालना है तो मुझे यहाँ 2 की पावर 4 चाहिए और मुझे यहाँ 5 की पावर 4 चाहिए। और यही क्यों चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में था छोटी से छोटी संख्या। तो 2 की पावर 3 के जस्ट बाद जो पावर डिवाइड होती है वो 2 की पावर 4 है, 5 की 3 के बाद जो जस्ट डिवाइड होती है वो 5 की पावर 4 है। तो इन दिस वे आई कैन से कि मुझे एक तो 2 से गुणा करना पड़ेगा इस नंबर से और एक 5 से। कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं मुझे इस पूरी संख्या को किससे गुणा करना पड़ेगा, 10 से। तो 10 से गुणा करके मैं इस संख्या को क्या बना सकता हूँ, पूर्ण वर्ग बना सकता हूँ।
आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं ऐसा और समझते हैं इस चीज को। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि 260 को किस छोटी संख्या से गुणा करें कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले आप 260 के फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर करोगे तो आप इसको लिख सकते हो 26 गुणा में 10, 26 के फर्दर फैक्टर कर सकते हो 13 गुणा में 10, और 10 के कर सकते हो 5 गुणा में 2। तो यहाँ से आपको 13 की 1, 2 की 2 और 5 की 1 बन जाता है। अब मैंने आपको क्या कहा था, जब भी कभी इस तरह के क्वेश्चन में आपको स्क्वायर रूट करना हो तो आप ये मेजर करेंगे या ये नोट करेंगे कि किसकी पावर 2 से डिवाइड होती है। अब यहाँ तो पावर 2 से डिवाइड हो रही है तो इसका तो कोई रोल नहीं है, पंगा ये 2 नंबर का है। तो 13 की 1 तो डिवाइड होगा नहीं, पर 13 की पावर 2 जरूर डिवाइड हो सकता है। इसी वे में आप कह सकते हो कि 5 की 1 की बजाय 5 की 2 आपको चाहिए डिवाइड करने के लिए, तो आपको किससे गुणा करना पड़ेगा, 13 से, और ये आपको किससे गुणा करना पड़ेगा, 5 से। तो कुल मिलाकर आपको इस नंबर को किससे गुणा करना पड़ेगा, 65 से। तो इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आए तो बेसिक पे होता है कि 260 को किस छोटी छोटी संख्या से गुणा करना है कि वो पूर्ण बनाना है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको SSC GD CHSL MTS दिखाई दे सकते हैं। तो ये मैंने पहला बेसिक क्वेश्चन कवर किया है। अब अगली चीज पे चलने से पहले एक बात आप सुन लीजिए। अभी एक मेथड मैं आपको सिखा रहा हूँ जिसमें हम कुछ नंबर्स का स्क्वायर करना सीखेंगे डायरेक्ट, जो लेंथी नहीं है, बड़ा शॉर्ट मेथड है। और उसी अगर एक बार स्क्वायर सीख जाते हैं तो फिर हम स्क्वायर रूट ऑटोमेटिकली सीख जाएंगे। मेथड की बात करते हैं कि मेथड क्या है। इस मेथड को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक वो संख्याएं जो 50 के आसपास हैं, एक वो संख्याएं जो 100 के आसपास हैं। चलिए आइए सीखते हैं। पहले हम ले लेते हैं वो संख्याएं जो 50 के आसपास हैं। मान लीजिए आपको 59 का स्क्वायर करना है, 59 का स्क्वायर। तो बचपन से आपने सीखा होता है कि आप इसको 50 प्लस 9 का स्क्वायर लिख लीजिए, फिर आप इसको ए और इसको बी मान लोगे, तो आप इसको ओपन करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए की वैल्यू 50 होगी तो ये हो गया 50 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 50 इंटू 9। इसको सोल्व करोगे तो ये आंसर आएगा आपके पास 3481, यानी कि 3481। अब इतना लंबा मेथड हमें नहीं करना है, तो आइए हम देखते हैं कि हमें बेसिकली करना क्या है। हमें यह करना है कि हमें पहले पहचान करनी है कि नंबर 50 के आसपास है या 100 के आसपास है। तो जैसे कि मैं कह रहा हूं 59 का स्क्वायर, तो आपने ये देखना है कि यह नंबर 50 से बड़ा है या छोटा है। जब जब नंबर 50 से बड़ा है तो जितना बड़ा है उसको आप प्लस लिख लीजिए, अगर नंबर बड़ा होगा तो आप प्लस लिखोगे, और इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे क्योंकि स्क्वायर करना है। अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 9 × 9 कितना हो गया आपका 81। उसके बाद आपने क्या करना है कि हर नंबर में इस तरीके से, अगर ये प्लस है तो प्लस करोगे, माइनस है तो माइनस करोगे, किसमें, 25 में। तो 25 प्लस 9 कितना हो गया 3481, ये आपके पास आंसर आ गया विद इन सेकेंड। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए आपको किसी ने कहा 54 का स्क्वायर करना है, 54 का स्क्वायर करना है तो 50 से कितना बड़ा है, 4 बड़ा है, और क्योंकि स्क्वायर करना है तो 2 बार लिख लेंगे, 4 × 4 मल्टीप्लाई करना है 16, उसके बाद 25 में सम करना है, तो 25 प्लस 4 कितना होगा 2916। तो किसी भी नंबर को आप इस तरीके से कर सकते हैं, बस आपने ये चेक करना है कि नंबर छोटा है या नंबर बड़ा है। मान लीजिए मैं नंबर ऐसे ले लेता हूँ 41 का स्क्वायर, अब ये 50 से छोटा है, छोटा है तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस। तो 9 × 9 कितना हो जाएगा भाई 81। मल्टीप्लाई करने के बाद आपने हमेशा इसको 25 में ही प्लस या माइनस करना है, तो अब ये माइनस है तो 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा 1681, यानी कि 1681। तो बड़े आराम से इस तरीके से आप इससे स्क्वायर कर सकते हैं। एक चीज भाई हमने पढ़नी है, नोट क्या करना है, दो बातें हमें नोट करनी है, दो बातें नोट करनी है। मान लीजिए नंबर इस तरह का है 49 का स्क्वायर, अब ये नंबर आप देखो तो ये 50 से बहुत कम छोटा है, और जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 1 1। यहां इस केस में आपने क्या करना है, हमेशा लास्ट में 2 डिजिट चाहिए चाहिए आपको। यहां ये कितनी आ रही है, सिंगल डिजिट आ रही है, तो आप 10 अपनी मर्जी से डाल लीजिए, ठीक। उसके बाद जो आप करते आए थे वही करेंगे, 25 − 1 आंसर कितना आ गया 2401। यानी कि नोट क्या करेंगे कि लास्ट में हमेशा 10 डालनी है आपने अगर सिंगल डिजिट आती है। दूसरा नोट क्या करना है आपने, यहां ले लेता हूं मैं इस चीज को, सेकेंड नोट को।
दूसरा नोट ये है कि सम टाइम डिजिट्स है ना, दो डिजिट से ज़्यादा जाती हैं। फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए मुझे 63 का स्क्वायर करना है, तो 63 जो है 50 से 13 बड़ा है, 13 बड़ा है तो 13 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो 13 का स्क्वायर 169 होता है। अब ये तीन डिजिट्स, दो डिजिट से ज़्यादा आ गया, तीन डिजिट, तो इस एक डिजिट को मैं अलग कर लेता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ, उसके बाद इसको 25 में सम करता हूँ, तो 25 प्लस 13 38 और एक ये, तो आंसर आ गया 3969। तो इस तरीके से किसी भी संख्या जो 50 के आसपास पड़ती है आप उसका स्क्वायर कर सकते हैं। एक से लेके 25 तक के स्क्वायर आपको सीधा याद रखने हैं। चलिए ये था आपका 50 के आसपास। अब देखते हैं कि अगर नंबर 100 के आसपास हो तो किस तरीके से स्क्वायर करना है। दूसरा फिर इनको इस्तेमाल करना मैं आपको सिखाऊंगा। अब देखिए अगर नंबर आपका 100 के आसपास हो तो काफी कुछ सेम है, बस एक काम आपने डिफर करना है। वो क्या है, मान लीजिए आपको 92 का स्क्वायर करना है, तो 92 छोटा है 100 से, तो जितना छोटा है उतना हम लिख लेंगे। 8 गुणा में 8 कितना हो गया, 64। 50 के आसपास की संख्या में आप हमेशा 25 में ही प्लस या माइनस करते थे, बट अगर नंबर 100 के आसपास है तो आप उस नंबर में ही प्लस या माइनस करेंगे। तो 92 माइनस 8 कितना हो गया, ये 8464। इस तरीके से आप इसमें यह हल कर सकते हैं। कोई भी नंबर जो 100 के आसपास हो इस तरीके से आप उसे सोल्व कर सकते हो। पिछले में जो दो बातें मैंने आपको बताई थी नोट करने की, वो यहाँ भी नोट करनी है। अगर मैं कहूँ कि 99 का स्क्वायर करना है, ये एक छोटा है, तो एक और एक की गुणा एक आ गई, नोट करना सिंगल डिजिट है, तो मुझे, मैंने क्या कहा था, दो डिजिट चाहिए तो एक डिजिट लगा दूंगा एक्स्ट्रा, जीरो यूज करूंगा। तो अब इसमें तो नंबर में ही प्लस या माइनस करना है, नंबर में ही प्लस या माइनस करना है, तो आ जाएगा आपका 9801। मान लीजिए कि नंबर ऐसा है जिसमें कैरी आ रहा है, जैसे कि 113 का स्क्वायर, 113 का स्क्वायर तो प्लस 13, क्योंकि नंबर बड़ा है तो प्लस 13 लिखेंगे, तो 13 का स्क्वायर कितना हो गया भाई, 169। तो इस 169 को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इस 1 को यहाँ लिख लेता हूँ। उसके बाद नंबर में ही आपको प्लस या माइनस करना है, 113 प्लस 13 126 और एक ये आपके पास आ गया 12769। तो इजीली आप पता कर सकते हैं कि इस तरह के नंबर का किस तरीके से स्क्वायर आपने करना है। ठीक, तो 100 के आसपास कोई भी नंबर हो तो आप उसको कर सकते हो। ये क्वेश्चन जो मैं लिख रहा हूँ आपको, इनका कमेंट बॉक्स में आंसर मेंशन करना है। 89 का स्क्वायर कितना होता है, 78 का स्क्वायर कितना होता है, उसके बाद 87 का स्क्वायर कितना होता है, उसके बाद 117 का स्क्वायर कितना होता है, 121 का स्क्वायर कितना होता है, ये सभी स्क्वायर आपने कमेंट बॉक्स में मेंशन करने हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए, बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, लास्ट तक मेरे साथ बने रही हैं। आइए अब आगे सीखते हैं कि स्क्वायर में और क्या है और बेसिक में क्या है, उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा आपके साथ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा कि क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं इसमें। आइए अब देखते हैं, चलिए अगला कंसेप्ट हम देखते हैं। ये मैंने कुछ एक से लेके 20 तक के स्क्वायर लिखे हुए हैं, इधर भी और इधर भी। इनको देख लेने के बाद एक मिनट के लिए आप वीडियो रोकना और इसमें से सोचना कि एग्जामिनर ऐसा क्या बना सकता है कि जिसपे क्वेश्चंस बन सकते हो, क्या बना सकता है। तो उम्मीद है कि आप वीडियो रोक के देख लिया होगा। अब इसमें नोटिस करते हैं कि क्या हमारे काम का है। बेसिकली मैथ्स इज नॉट अबाउट कि कुछ क्वेश्चंस आपने सोल्व करने हैं और एग्जाम निकलना है। आजकल के जिस तरह के एग्जाम आ रहे हैं उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि आप सोचना सीखो, ना कि क्वेश्चन करना सीखो। तो सोचने से क्या होता है, जब आप सोचना सीख जाते हो तो कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स सीख जाते हो। तो मैं आपके थॉट प्रोसेस पे ही काम कर रहा हूँ ताकि आपकी थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा इम्प्रूव किया जा सके। तो ये नंबर लिखने के बाद एक चीज़ आप देखो, आपके पास टोटल नंबर कितने होते हैं, अंक कितने होते हैं, 0 से लेकर 9 तक 10 अंक बनते हैं। अगर 10 अंक बनते हैं तो मैं कह सकता हूँ 0, 1, 2, 3, 4, ये टोटल 10 अंक बनते हैं। अब इन सभी की लास्ट की डिजिट अगर चेक की जाए तो सभी की सेम है, 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0। पहली बात तो ये, यानी कि लगातार अगर 10-10 के जोड़ों में आप स्क्वायर करते हो तो लास्ट की डिजिट कभी भी चेंज नहीं होगी। दूसरी बात, अगर आप गौर फरमाओ इन दोनों, इस पूरी टेबल को ध्यान से देखो, तो एक चीज आपको मिलेगी कि इनका जो यूनिट डिजिट है
इकाई का जो अंक है, इनके इकाई के अंक में या तो जीरो आई हुई है यहाँ, या एक है, ये रहा ये रहा, उसके बाद चार है, ये रहा ये रहा, उसके बाद छः है, यहाँ पे है, पाँच है, जीरो एक चार छः पाँच और नौ, यानी मैं कह सकता हूँ इन दस डिजिट्स में से ओनली यहाँ पे छः डिजिट अवेलेबल हैं यूनिट में। जो अवेलेबल नहीं है वो कौन सी हैं? दो तीन सात आठ। तो यहाँ से हमें एक बात पता लगती है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर जब आप करते हो, तो स्क्वायर जब आप करते हो तो उस नंबर में किसी भी सूरत हाल में स्क्वायर करने के बाद उनकी यूनिट डिजिट दो नहीं हो सकती, तीन नहीं हो सकती, सात नहीं हो सकती, आठ नहीं हो सकती। यानी किसी भी नंबर का जब आप स्क्वायर करोगे तो उनकी यूनिट डिजिट क्या क्या नहीं होगी? दो नहीं होगी, तीन नहीं होगी, सात नहीं होगी, आठ नहीं होगी। यानी ये कभी भी किसी के भी स्क्वायर के लास्ट में नहीं आएंगे। तो जब ये किसी के स्क्वायर में नहीं आएंगे तो जाहिर सी बात है कि ऐसे नंबर जिनके लास्ट में दो तीन सात आठ होगा उनका स्क्वायर रूट भी नहीं निकलेगा, यानी कि वर्गमूल भी नहीं निकलेगा। मतलब मैं कह सकता हूँ कि 12 का वर्गमूल इसीलिए नहीं आता है, 22 का वर्गमूल इसीलिए नहीं आता है, 147 का वर्गमूल इसीलिए नहीं आता है, 143 का वर्गमूल भी नहीं आता है। 143 तो समझते हो ना आप, दोबारा से यूज कर दिया मैंने इसका। तो ये नंबर्स ऐसे हैं कि इनका कभी भी वर्गमूल नहीं आता है, रीजन बीइंग क्योंकि हम इनको किसी के स्क्वायर में नहीं लिख सकते। और याद रखना, वर्गमूल उसी का निकलता है जो किसी का स्क्वायर बनता हो। जैसे आप 16 का वर्गमूल निकाल सकते हो, 16 का निकाल सकते हो, क्यों? क्योंकि ये किसी के स्क्वायर में आता है। आप 36 का स्क्वायर कर सकते हो क्योंकि ये किसी के स्क्वायर में आता है। तो जो नंबर किसी के स्क्वायर में आता है उन्हीं का वर्गमूल निकल सकता है, स्क्वायर रूट निकल सकता है। तो इसी वजह से जिन नंबरों के लास्ट में दो तीन सात आठ होता है वो किसी का स्क्वायर नहीं होते हैं, और अगर वो किसी का स्क्वायर नहीं होते हैं तो वो कभी भी किसी का क्या नहीं होंगे, मैं कह सकता हूँ कि डेफिनेटली उनका वर्गमूल भी नहीं निकलेगा। तो ये एक बात यहाँ नोट करने की थी। दूसरी बात, अगर आप ध्यान से देखें, जिन नंबरों के लास्ट में एक है, एक है, एक है, तो उनका यूनिट डिजिट या तो एक है या नौ है, यानी कि स्क्वायर करोगे तो उसके लास्ट की डिजिट एक आएगी। अगर किसी के लास्ट में तीन है और सात है तो स्क्वायर करने के बाद लास्ट डिजिट नौ आएगी। चार है, छः है, तो स्क्वायर करने के बाद लास्ट डिजिट छः आएगी। अगर किसी के लास्ट में जीरो है तो स्क्वायर करने के बाद जीरो आएगी। अगर किसी के लास्ट में पाँच है तो स्क्वायर करने के बाद पाँच आएगी। तो इस तरीके से थोड़ा सा इस टेबल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं स्क्वायर वगैरह में आगे। अब कैसे ये इस्तेमाल होगा, किस तरीके से इस्तेमाल होगा, आइए हम देखते हैं थोड़ा सा। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, एक चीज़ और डिस्कस करेंगे हम, कि अगर कोई नंबर एंड कर रहा है, नंबर एंडिंग विथ यूनिट डिजिट फाइव, तो उस केस में उसका स्क्वायर करना और आसान हो जाता है। मान लीजिए आपको पता है कि 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, तो उसको हम, इसको हम उस मेथड से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो कैसे, इस केस में आप सबसे पहले 5 का स्क्वायर लिख लीजिए, जी कितना हो गया 25, उसके बाद ये जो नंबर लिखा है इसे एज इट इज लिखें और एक बढ़ा दें, एक बढ़ाकर कितना आएगा, एक दो, जो मल्टीप्लीकेशन आती है उसको यहाँ लिख दें, आंसर आ जाएगा आपके पास 15 का स्क्वायर 225। मान लीजिए आपको किसी ने कहा कि 75 का स्क्वायर कैलकुलेट कीजिए, तो पहले आप 5 का स्क्वायर लिख लेंगे 25, उसके बाद 7 को एक बढ़ाकर गुणा कर देंगे 56, इसको यहाँ लिख लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5625। तो इन दिस वे किसी भी नंबर के लास्ट में अगर यूनिट डिजिट 5 है तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल और लूँ, 125, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, और ये हो जाएगा 12 प्लस 1 13, आंसर आ जाएगा 15625, 15625। तो इस तरीके से आप इन नंबर्स का स्क्वायर कर सकते हैं। आइए अब चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, देखते हैं कि आगे और इसमें क्या है।
आज एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करके मैं भी इसको यहीं सेशन को एंड करूंगा, उसके बाद अगले सेशन में मिलते हैं। स्क्वायर स्क्वायर रूट की एक वीडियो और मैं बनाऊंगा आपके लिए, सिंप्लीफिकेशन की भी कह सकते हो आप उसको, स्क्वायर स्क्वायर रूट की भी कह सकते हो। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि मैंने ये पूछा है कि 3490 में क्या छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए या जोड़ी जाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। अब इसमें बच्चा पता नहीं कितनी तरह के फार्मूले लगाने के अप्लाई करने की कोशिश करता है, कुछ नहीं करना है आपने। सबसे पहले आपने ये देखना है कि 3490 किसके स्क्वायर के आसपास आता है। अगर मैं बात करूं कि 50 का स्क्वायर कितना होता है, 2500, और 60 का स्क्वायर 3600, तो 3490 यहीं कहीं आता है और किसके क्लोज है, 3600 के क्लोज है। तो अगर कुछ घटाएंगे या बढ़ाएंगे, या तो 3600 बढ़ना चाहिए या इससे पहले कोई नंबर होगा या बीच में कोई नंबर होगा। तो जब भी कभी इस तरह का क्वेश्चन तुम्हें दिखे और किसी रेंज के बीच में दिखे, तो आप सबसे पहले चेक करो कि किसके नजदीक है, क्या 50 के नजदीक है, क्या 60 के नजदीक है। 60 के नजदीक है तो 60 के आसपास जो संख्या पूर्ण वर्ग बनती है 59 है। अभी जो मेथड मैंने आपको सिखाया था उससे आप इसका फटाफट स्क्वायर कर लेंगे, और स्क्वायर करने के बाद कितना आएगा, 3481। यानी मुझे पता लग रहा है कि ये जो 3490 है ये 3481 और 3600 के बीच में है। तो या तो इसमें से मैं कुछ घटा के ये लेके आ सकता हूं, या मैं कुछ जोड़कर ये लेके आ सकता हूं। तो अगर मैं इसमें से कुछ घटाता हूं, तो घटाने का मतलब ये है कि 3490 में से क्या घटाएं कि 3481 मिल जाए। तो आंसर होगा मेरा 9, कि 3490 में से 9 घटाएंगे तभी क्या मिलेगा, 3481 मिलेगा। या फिर 3490 में मैं क्या जोड़ू कि 3600 आ जाए, तो मैं इसमें क्या जोड़ूंगा, 110 जोड़ूंगा, तभी मैं क्या लेके आ सकता हूं, 3600 लेके आ सकता हूं। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी दिया जाए तो ये रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन हो जाता है कुछ कुछ। तो इसमें आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, यू सिंपली थिंक कि ये नंबर बेसिकली किस संख्या के आसपास आता है। रूटीन क्वेश्चन होते हैं, पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं नॉर्मली एग्जाम में। तो मैंने ये देखा ये 50 और 60 के बीच में और 60 के ज्यादा नजदीक है, तो मैंने 60 से जस्ट पहले संख्या चेक कर ली क्या आती है। 59 का स्क्वायर 3481 होता है, तो मैंने देख लिया ये संख्या 3481 और 3600 के बीच में आती है। तो 3490 से अगर मुझे जोड़ना है तो 3600 बनाना पड़ेगा, तो 110 करना पड़ेगा, और अगर माइनस करना है तो मुझे 3481 करना पड़ेगा। तो यानी कि इसमें से मैं कितना माइनस करूंगा, 9 माइनस करूंगा। तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क के फॉर्म में, वो आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। और क्वेश्चन आपका है ये कि 2590 में क्या जोड़ा जाए और क्या घटाया जाए कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ये आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। आज के सेशन में मेरी तरफ से इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप इसको शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैप्पी लर्निंग वंस अगेन, सीखते रहें, मुस्कुराते रहें, जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। थैंक यू।